हाय फ्रेंड्स, बिहार बेल्टोन टाइपिंग का जो परीक्षा होने वाला है, तो फ्रेंड्स उसके रिगार्डिंग में मैं यहाँ वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को जो है बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के आ रहे थे, तो मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है आप लोगों का सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स जो CVT का एग्ज़ाम हुआ तो उसका जो है दो लिस्ट भी जारी हो चुका है। एक हुआ है फाइनल लिस्ट, जिसमें कि लगभग 15,000 लोगों का लिस्ट में नाम था, तो वो जो है फाइनल लिस्ट है और उसमें जिसका नाम है उनका टाइपिंग होने वाला है। और फ्रेंड्स अभी कल एक लिस्ट जारी हुआ था जो कि था आपका सारा जो उसका नाम नहीं था मैं उस लिस्ट में, तो उसका लिस्ट में नाम था कि आप जो है अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हुआ था। तो फ्रेंड्स उसमें भी बहुत सारे लोगों का बोल रहा है कि नाम नहीं है, और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर और लिस्ट आए कि नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, आप एक दो दिन वेट कीजिए, मैं उसके लेकर के एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि टाइपिंग जो परीक्षा होगी कब होगी, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट यही है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग का सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है टाइपिंग में लगे रहिए, अपने स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। टाइपिंग का परीक्षा कब होगा इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। उससे पहले फ्रेंड्स जो आप लोग को कमेंट आ रहा था बहुत ज़्यादा, वो था कि सबसे ज़्यादा कि टाइपिंग जो है वो बुक देख कर करना है या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख कर करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सिंपल है कि जब आपका जो सेंटर होगा वो कहीं पर दिया जाएगा और वहाँ पर जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स रहेंगे, और कंप्यूटर में आपको जो है आधा में क्या रहेगा, यहाँ पर आपको मैटर दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको जो है कंप्यूटर का स्क्रीन देखकर टाइप करना है, ना कि बुक देखकर, ठीक है। जो ये सोच रहे हैं कि बुक देख करना, ये बिल्कुल गलत है, आपको कंप्यूटर स्क्रीन देख कर टाइप करना है, ठीक है। तो आप लोग का ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स कि हिंदी और इंग्लिश बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या सर दोनों में टाइपिंग होगा? तो बिल्कुल दोनों में टाइपिंग होगा, आप दोनों का कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है। आपका टाइपिंग इंग्लिश का भी देना पड़ेगा और हिंदी का भी देना पड़ेगा, दोनों अनिवार्य है, ठीक है। ये आप मत सोचिए कि सिर्फ एक का ही देना पड़ेगा, आपको दोनों का टाइपिंग देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स उसके बाद जो है क्वेश्चन जो पूछे गए मुझसे, वो पूछे गए थे कि टाइपिंग परीक्षा सॉफ्टवेयर में होगा कि MS वर्ड में होगा? तो MS वर्ड में कभी नहीं होगा, ठीक है। ये जब भी होता है एक सॉफ्टवेयर में होता है, जब आपका यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा जो भी इंस्टीट्यूट में, तो वो जो है आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवाएगा और वो सभी कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा, आपको उसी में टाइपिंग करना है। ऑटोमेटिक आपका टाइम होगा और वो ऑटोमेटिक आपका सेव होके बंद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग अपना जो है टाइपिंग का स्पीड को बढ़ाइए, मेंटेन कीजिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि टाइपिंग का स्पीड क्या होगा, टाइम क्या होगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन आप लोग उम्मीद करता हूँ उसको देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैं अभी फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड्स ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी हुआ था बेल्टोन की तरफ से, तो यहाँ पर जो दक्षता परीक्षा के बारे में, तो उसमें यहाँ पर टाइपिंग के बारे में दिया हुआ था, तो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ फिर से। मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया था, हो सकता है आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए अभी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, प्रत्येक जो टाइपिंग परीक्षा होगी वो 10 मिनट की होगी, ठीक है। तो आप लोग को जो टाइमिंग होगा वो 10 मिनट का टाइपिंग होगा, दोनों का, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। और जो टेस्ट के बीच में जो है आपको 10 मिनट का रेस्ट भी दिया जाएगा। हम बात करते हैं स्पीड का, तो जो अंग्रेजी का होगा फ्रेंड्स वो 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना पड़ेगा इंग्लिश में, और हिंदी की बात करें तो आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइप करना पड़ेगा हिंदी में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर जो स्पीड है इंग्लिश का 30 है और हिंदी का 25 है, और आपको जो है मिनट, तो वो आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोनों में अलग से, और बीच में आपको 10 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोग के माइंड में थे, आप लोगों ने कमेंट करके पूछा था, मैंने आपको जवाब दे दिए। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, और सबसे ज़्यादा जो मुझसे पूछे गए थे सवाल कि टाइपिंग परीक्षा कब होगा, और जाहिर सी बात है ये आप लोग को जानना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो एग्ज़ाम चला था वो 1 महीना चला था, और जो लास्ट डेट था वो 27 दिसंबर 2019 था, ठीक है, लास्ट डेट। और उसके बाद से आपको 15 तारीख को जो आपको फर्स्ट रिजल्ट का आ गया था CVT का आप लोगों का, यानी आप लोगों को 15 से 16 दिन के अंदर में जो है आप लोग का रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो है आप लोग को लेकर तैयारी चलना है, फरवरी का फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम कन्फर्म है कि होने वाला है, हो जाएगा, ठीक है। मैं फ्रेंड्स श्योर नहीं हूँ, कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से आप लोग का रिजल्ट आया, क्योंकि रिजल्ट में जो है बहुत सारा टाइमिंग लगता है, लेकिन बहुत जल्दी रिजल्ट आप लोग का आ गया, लेकिन फ्रेंड्स उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को जो है फर्स्ट से
सेकेंड वीक का फरवरी में आप लोग को टाइपिंग का एग्ज़ाम होने का बहुत ज़्यादा चांस है, 80 से 90%। तो आप लोग जो है वेट मत कीजिए, आप लोग अपना टाइपिंग बरकरार रखिए, टाइपिंग कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो और भी जैसे आता है फ्रेंड्स नया अपडेट, मैं आपके लिए लेके आता हूँ और आता रहूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और भी कोई आप लोग के माइंड में सवाल हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।